प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी आज से तीन दिन के लिए राजधानी जयपुर में हैं और एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है। जयपुर में कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस जारी है। उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में जिलों की समस्याओं और उनके समाधान पर मंथन जारी है। 10 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कलेक्टर और एसपी आपस में बैठे हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश सुने जा रहे हैं। तमाम मंत्री भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। जिलों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उनके समाधान की कोशिश की जा रही है और खास करके नवाचारों के जरिए प्रेजेंटेशन दी जा रही है। हर कलेक्टर को 10-10 मिनट का वक्त दिया गया है प्रेजेंटेशन का। देखा जाए तो कुल मिलाकर 33 कलेक्टर, 10 प्रमुख सचिव, सीएम, मुख्य सचिव और 10 प्रमुख जिलों के एसपी और विशेषज्ञों को मिला दिया जाए तो कुल 60 के करीब प्रेजेंटेशंस इन 3 दिनों में दी जा रही हैं। जो 10 मुद्दे चुने गए हैं उनमें अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे पेयजल, नरेगा कन्वर्जेंस और जल स्वावलंबन अभियान। इस तरह से करीब 10 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, अभी फिलहाल कॉन्फ्रेंस किस स्टेज में है? आगे आने वाले जो सत्र है उसमें क्या होना है आज के दिन? देखिए अमित, तब से थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस में लंच हुआ है और थोड़ी देर बाद फिर से कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो उद्घाटन सत्र था उसको संबोधित किया। सभी जिला कलेक्टर मौजूद थे, संभागीय आयुक्त सभी मौजूद थे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सभी अधिकारियों को ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी होगी और जो 19 जिलों में पेयजल के विकट हालात हैं वहाँ पर ज़्यादा संवेदनशील रह करके काम करना होगा। लोगों तक राहत पहुँचानी होगी, ज़रूरत की हर सामग्री पहुँचानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और जो सरकार की दूसरी योजनाएं हैं उन पर फोकस करने को कहा। बच्चों और विमंडित बच्चों और बुजुर्गों की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए उनके विकास पर फोकस करने के लिए भी सभी जिला कलेक्टर्स को कहा है। मुख्यमंत्री ने खुशहाली इंडेक्स, जो हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, उसको शीर्ष पर ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसको सबसे आगे लाना होगा प्रदेश में और इसके लिए मिलकर के पूरी टीम राजस्थान को काम करना होगा। जी अमित, तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों की बेहतरी के लिए उनको जनता तक पहुंचाने की बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।